हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक भारद्वाज फ्रॉम अचीव आईएएस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सुकोई 30 एमकेआई को अभी ब्रह्मोस मिसाइल के साथ इक्विप्ड किया गया है, तो उसी को लेकर के न्यूज़ है। करंट अफेयर्स का ये सेक्शन हो गया डिफेंस सेक्शन से, ठीक है, तो उसी को लेकर के बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले जानते हैं कि न्यूज़ क्या है। ये एक नई स्क्वाड्रन बनाई गई है, फोर्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट्स सुकोई 30 एमकेआई की, जिन्हें इक्विप किया गया है ब्रह्मोस मिसाइल के साथ, और ये सदर्न एयर कमांड के अंदर तनवजूर में उनको इंडक्ट किया गया है। उसके बाद इससे बेनिफिट क्या मिलने वाला है, इंडिया को हेल्प मिलेगा इसके अंदर कि वो एयर और मैरिटाइम डोमिनेंस बना सके आईओआर में, इंडियन ओशियन रीजन के अंदर अपनी डोमिनेंस बना सके। उसके अलावा जो सुकोई 30 जेट है उसको मॉडिफाई किया गया जिससे कि वो ब्रह्मोस को कैरी कर सके, और उसकी जो कैपेसिटी है वो लॉन्ग रेंज तक प्रिसीजन स्ट्राइक के साथ बढ़ाई जा सके, ठीक है। एक बात और बता दूं इसमें कि जो हमारी ब्रह्मोस है वो एएसएम है, एएसएम मतलब एयर टू सरफेस मिसाइल है ये वाली। उसके अलावा अगर बात करते हैं कि इनका इंटीग्रेशन कैसे हुआ, क्योंकि ब्रह्मोस बेसिकली लैंड से छोड़ी जाती थी, लैंड सरफेस टू सरफेस मिसाइल का भी वर्जन है, लेकिन ये ब्रह्मोस का एयर टू सरफेस मिसाइल का वर्जन है, तो इनका इंटीग्रेशन कैसे पॉसिबल हुआ, तो इसके लिए क्या हुआ कि एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और बीएपीएल ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने 2014 में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। उन्होंने कहा कि हम दो सुकोई 30 एमके एयरक्राफ्ट्स को मॉडिफाई करेंगे जिससे कि मिसाइल को इंटीग्रेट करवा सके, और ये पहली बार हुआ है वर्ल्ड के अंदर कि इतनी हैवी वेट मिसाइल को इंटीग्रेट किया गया है एक फाइटर एयरक्राफ्ट में। बहुत हैवी वेट है इस मिसाइल का, इट इज़ हैवीएस्ट वेपन टू बी डिप्लॉयड ऑन सुकोई 30 एमके एयरक्राफ्ट, जिसका वजन है 2.5 टन्स, ठीक है, 2500 किलो के आसपास इसका वजन है। ऑल वेदर मिसाइल है, किसी भी वेदर में इसको लॉन्च किया जा सकता है, और इसके इंडक्ट होने से सुकोई 30 एमकेआई का जो कॉम्बैट रेडियस है वो बढ़ गया है 1500 किलोमीटर तक, ठीक है, 1500 किलोमीटर तक वो मार करने की क्षमता रखता है सुकोई 30 एमकेआई इस मिसाइल के इंडक्ट होने के बावजूद, विदाउट मिड एयर रिफ्यूलिंग, बिना बीच में एयर रिफ्यूलिंग करे हुए, यानी कि अगर दिल्ली से सीधा इस्लामाबाद या उसके पार भी छोड़ी जा सकती है मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में जान लेते हैं थोड़ा, तो अब हम जान लेते हैं थोड़ा सा ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। सबसे पहली बात, जो हमारी ब्रह्मोस मिसाइल है वो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सुपरसोनिक मतलब ये साउंड की स्पीड से भी तेज चलती है, क्रूज मिसाइल अलग होती है और बैलिस्टिक मिसाइल अलग होती है, ठीक है। तो क्रूज मिसाइल क्या होती है, बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, डीप कंसेप्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, और इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो अभी ये जान लो कि ब्रह्मोस मिसाइल आपकी क्रूज मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, और यूपीएससी के अंदर अगर क्वेश्चन आता है तो वो इन्हीं पॉइंट्स को देता है, अगर मिसाइल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो कभी, ठीक है, ये क्रूज मिसाइल है। दूसरा, इंडियन प्रोपल्शन सिस्टम पे चलने वाली है, इंडियन प्रोपल्शन सिस्टम, प्रोपल्शन सिस्टम वो सिस्टम जो इसको क्या नाम है ड्रिफ्ट प्रोवाइड करवाता है, जिसकी वजह से ये मूव करती है, ठीक है, वो प्रोपल्शन सिस्टम है। और बाकी एयर फ्रेम की बात करें, पावर सप्लाई की बात करें, या फिर अदर जितने भी कॉम्पोनेंट्स है इसके, इंडिजीनियस ये भारत में बने हुए हैं। ये एक जॉइंट वेंचर था बिटवीन DRDO, NPOM डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया और NPOM ऑफ रशिया के बीच ये एक जॉइंट वेंचर था, जिसके तहत इस मिसाइल को डेवलप किया गया। और ब्रह्मोस दो नदियों के नाम से मिलकर बनी हुई है, जिसमें एक भारत की नदी है जिसका नाम ब्रह्मपुत्र, दूसरी रशिया की नदी है जिसका नाम है मोस्कवा, ठीक है। टू स्टेज इंजन इसके अंदर काम करते हैं, टू स्टेज पे काम करती है। सबसे पहला जो इसमें एक सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन है, ठीक है, जो सॉलिड फ्यूल को यूज़ करता है पहली स्टेज में, फिर सेकंड स्टेज में रैमजेट इंजन, लिक्विड रैमजेट इंजन का इस्तेमाल होता है, ठीक है, लिक्विड रैमजेट इंजन का इस्तेमाल होता है। अब ये रैमजेट प्रोपेलेंट इंजन क्या होते हैं, सॉलिड प्रोपेलेंट, अगेन ये भी साइंस का डीप टॉपिक है, इसके ऊपर भी मैं जब ये क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल वाली वीडियो बनाऊंगा उसी के अंदर इसको समझा दूंगा बाद में। और ये एयर टू सरफेस मिसाइल है जिसकी फ्लाइट रेंज है 300 किलोमीटर के आसपास, लेकिन जब इंडिया की एंट्री हुई MTCR में, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम में, तो उसके बाद इसको एक्सटेंड कर दिया गया 450 से 600 किलोमीटर के तक। उसके बाद ब्रह्मोस को मल्टीपल प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है, ठीक है, इट कैन बी लॉन्च फ्रॉम लैंड, एयर एज वेल एज फ्रॉम सी। मल्टी कैपेबिलिटी मिसाइल है विद पिन पॉइंट एक्यूरेसी, जो दिन रात किसी भी टाइम काम कर सकती है और किसी भी वेदर कंडीशन में काम कर सकती है। उसके अलावा ये जो ऑपरेट करती है फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पर ऑपरेट करती है, इट मींस कि आप एक बार इसको लॉन्च कर दो, उसके बाद आपको फर्दर गाइडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो है 2.1 मार्क, ठीक है, यानी कि 1 मार्क होता है स्पीड ऑफ साउंड, तो 2.8 तो लगभग 3 गुना ज़्यादा है साउंड ऑफ स्पीड से।
ये ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में था। सो डेट इज़ ऑल विद दिस वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी सजेशन से फीडबैक है आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए, हम उन पर वर्क करेंगे। और आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।